हाँ, आजकल कलयुग की समय चल रही है। माँ बाप जिस मुने को माता पिता ने बोलना सिखाया था, वह मुना बड़ा होकर माता पिता को मौन रहना सिखाता है। ये कैसी विडंबना है, जिस माता पिता ने जन्म दिया था उस माता पिता को भूल गया वो बच्चा किस काम का है। जिस माता ने बड़ा किया है उस माता के रुठ गया, तकलीफ कितनी उसने सही थी। 9 महीने गर्भ में लेकर फ्री थी और उसके बाद में बच्चा पैदा हुआ, फिर भी तू उस माँ को भूल गया। तू, तेरी क्या कदर है इंसान बनने की, तेरी क्या है ये औकात। फिर भी तू उस माँ को भूल गया, तू अपनी ही माँ से रूठ गया। तू याद करो उस बचपन को, उसने ही तुझको पाला पोसा था और तेरे को बड़ा किया। तेरी माता तुझको सुलाने सुलाने खुद वो कभी ना सोई थी। जब तक तू बीमार हुआ तो उसकी आंखें रोई थी। खुद ने न खाकर माँ ने तुझको खिलाया था, सारी सारी रात पालने में झुलाया था, गोड़ी के अंदर झुलाया था, और उसने अपने गोद में सारी सारी रात सुलाया था तेरे को, और अभी तू भूल गया माँ को। पालने में रोया तो गले से लगाया तुझको, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया तुझको, माता के उन उपकारों को कौन कभी चुकाएगा। तू अभी भी समय है बच्चा, तेरे माता पिता से माफी मांग कर आज से ही सब कुछ दुरुपयोग तेरी इच्छाएं छोड़ दे और अपने माता पिता की सेवा करने में लग जाइए। यही आपको मैं चेतावनी देता हूं। पेट में 5 बेटे जिसको भारी नहीं लगे थे, वो है माँ। वो माँ बेटों के 5 प्लेट में भी भारी लग रही है, और वो 5 इंसान होकर के, चाहे 5 बच्चे हो या ना हो, कुछ काम के नहीं है। बीते जमाने का ये सवर्ण का देश से है। राम लक्ष्मण 14-14 साल तक वनवास में रहे थे, क्योंकि उसने माँ ने बोला इसलिए वो उधर चले गए। 14-14 साल तक वनवास में रहे थे। और तुम लोग तो, तुम्हारे माता पिता बोलते हैं सेवा का, और तुम इधर उधर लड़कियों के पीछे भड़कते हो, और लड़की नहीं तो उसकी घर की है, नहीं कुछ काम की नहीं है। बीते जमाने का ये सवर्ण का देश है, कान मौनेगा। माता तेरी उंगली पकड़कर स्कूल में छोड़ने जाती थी, देव गुरु को वंदन करना सब कुछ नौ सिखाती थी। तुझे पाठशाला में धर्म सिखाया, धर्म के भावों को खूब बढ़ाया। बड़े होते ही तू बना धन धनवाला, माँ बाप को तूने घर से निकाला और धर्म आश्रम के छोड़ में आया। अभी भी समय है, तेरी माता पिता को धर्म आश्रम से वापस लेके आ जा, नहीं तो तेरी भी लड़का लड़की बड़े होने वाले हैं। वही याद रखना, जैसे तुमने तेरे माता पिता को इज्जत नहीं देते हैं, वही तेरे लड़का और तेरी लड़की तेरे को आश्रम तो नहीं छोड़ेगी, तेरे को कुएं के अंदर डाल के आने वाली है। तू कभी भी याद रखना, जैसी करनी है वैसी भरनी। तुझे पाठशाला में धर्म सिखाया, धर्म के भावों को खूब बढ़ाया। बड़े होते ही तू बना धनवाला, माँ बाप को तूने घर से निकाला। ऐसा बेटा डनलप की गंदी में सो न पाएगा, तू जिंदगी में कभी नहीं सफल नहीं हो पाएगा। जिस माता पिता ने गीले से सूखे में तुझे सुलाया था, जब जब था
मल मूत्र में तब तक उस माता ने धोया था। नफरत कभी भी उसने ना की थी और ना ही वो कभी भी ऐसी नफरत सोचती है औलाद के लिए, और औलाद माता पिता के लिए नफरत फैलाते हैं। तेरी खुशी में वो हर दम हंसी थी, फिर भी उसको भूल गया तू, अपनी ही माँ से रूठ गया तू। उस माता की मेहनत को तू कभी भी भूला ना पाएगा तू। कबूतर को दाना डालने वाला बेटा अगर माता पिता को दबाए तो उसके दाने में कोई दम नहीं। बेटे की शादी होते ही माता को भूल जाता है, घरवाली की बातें सुनकर माँ से अलग हो जाता है। बहू सास को परेशान करेगी मगर बहू भी एक दिन सास बनेगी। जहर को घोला है तो जहर ही मिलेगा वापिस। यदि आपने जहर तो घोला है और दूध की आस रखेंगे तो कैसे बनेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। मगर बहू एक दिन सास बनेगी, जहर को घोला है तो जहर ही मिलेगा, कांटों को बोया तो कांटा ही मिलेगा। दुनिया में सब कुछ मिलेगा, मिले ना मिले माता पिता कभी भी दुनिया में कभी भी ना मिले। बुढ़ापे में माता पिता का सपना जब टूट जाता है, दौलत के संग माता पिता का बंटवारा हो जाता है। एक बेटा अपने घर माँ को ले जाए, एक बेटा अपने घर बाप को ले जाए। एक होते भी दोनों माँ बाप हो गए पराए, दोनों बिछड़कर आंसू बहाए। जो बबूल को बोएगा वो आम कहाँ से पाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। माता पिता को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं। जिसे माँ का आशीर्वाद मिले वो हमेशा जिंदगी में सफल बनते रहते हैं। जिसे माँ का आशीर्वाद मिले हैं वो किस्मत वाले होते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, अगर माँ बाप का ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। जो माँ की ना सुनेगा तो तेरी कान सुनेगा, जो माँ को ठुकराएगा तो दर दर की ठोकर खाएगा। जो माँ की ना सुनेगा वो दर दर जिंदगी में भटकेगा, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। माँ की गोद में सातों बेटे यूं ही बड़े हो जाते हैं, मगर सातों बेटे अपने महल में माँ को नहीं रख पाते हैं। कपूत अपने बेटे जिसे माँ की परवाह नहीं है, स्वर्ग में उसके लिए जगह नहीं है, नरक में उसके लिए जगह है। माँ को अनादर जो भी करेगा भगवान उसको ना माफ करेगा। माँ की आशीष जो पाएगा वो सीधा स्वर्ग में ही जाएगा। कपूत जिसे की परवाह नहीं, स्वर्ग में उसके लिए जगह नहीं, नरक में उसके लिए जगह है। माँ का अनादर जो भी करेगा भगवान उसको ना माफ करेगा। माँ की आशीष जो पाएगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। माता पिता की तबीयत बिगड़े तो बेटे को तो समय नहीं, धंधा पानी छोड़कर माता से मिलने का कोई धर्म नहीं। अगर सास ससुर की तबीयत बिगड़ती तो टिकट निकाली हवाई जहाज की, शर्म करो ओ माँ बाप के सपूतों, अभी भी समय है। पहचानो माँ को अपने ही स्वार्थों की खातिर, माता को क्या भूल गए हो तुम। ऐसा कभी भी करोगे तो जिंदगी में हमेशा के लिए भटकोगे, जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये मेरा चैलेंज आप सब लोगों के साथ में। चाहे पूजा पाठ करो और व्याख्यान सुन लो भाई, चाहे कितना धर्म करो जो माँ की ममता ना पाई। चाहे तुम बड़ी तपस्या भी कर लो,
चाहे कितना भी धर्म कर लो, चाहे लाखों का दान भी कर लो, चाहे चले जाओ पावा पुरी जी, चाहे चले जाओ समय शिखर जी, जिसने नहीं जी जीता माता को परोवर को क्या जीतेगा। इसलिए मैं अभी छोटा सा एक गाना गाना चाहता हूँ। जीनो 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 उड़े रे गुलाल, जीनो 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 उड़े रे गुलाल पावापुरे मंदिर में, जीनो जीनो उड़े रे गुलाल पावापुरे मंदिर में। चेन्नई वाला तुम, चेन्नई वाला तुम सब सुन लो भाई, चेन्नई एयरपोर्ट मंदिर के सामने, जीनो 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 उड़े रे गुलाल पावापुरे मंदिर में। इसलिए मैं हमेशा भगवान के ऊपर भी भरोसा रखता हूँ, और भगवान से भी बड़ा मेरे प्यारे माता और पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, और किसी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं रखता हूँ। वही छोटी सी है जिंदगी। जिंदगी का सबक बहुत बड़ा है, जिंदगी कभी भी किसी को दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी जीने के लिए कला होनी चाहिए। एक बेटा अपने बेटे को बेड में गाड़ी देता है, वही बेटा अपने माता पिता को थाली तक नहीं देता है। वो किस काम का है बच्चा, फिर भी वो माता पिता कभी नाराज नहीं होते हैं, जुबा से कभी बद्दुआ नहीं देते। माता तो तेरी है, ममता की ज्योति, माता के आंसू हैं सच्चे मोती। उनके दिल को ठेस लगा के बेटा संभल ना पाएगा तू, कैसे तेरे को समझाऊं बेटा। चाहे लाखों कमा लो, चाहे करोड़ों भी कमा लो, जिसने माता को नहीं जीता बेकार है उसका जीना। गर्व ना कर तू धन का, ओ पगले ओ पगले, गाड़ी बंगले यही ही तो रहेंगे। माता पिता की ले ले दुआई तू, अभी भी समय है तेरे पास। जीवन बनेगा तेरा सुखदाई, जिसने नहीं ली माँ की दुआएं, हर दम वो पछताएगा। माता पिता तब जब जिंदा होते, तब वे वर्धा आश्रम में रहते, मरने पर दाह संस्कार आश्रम वाले करते हैं। हाल कभी ना पूछते हैं, माता पिता जब स्वर्ग चले जाते हैं तो शोक सभा बुलवाते हैं, अखबारों में बड़ा बड़ा नाम लिखवाते हैं, बड़ा फोटो लगाते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे ही लोगों की शर्म की बात है। जब माता पिता जिंदा रहते हैं, एक लड्डू देने की तो छोड़ो, सूखी रोटी भी देने के लिए इनकार कर देते हैं, और उसके मरने के बाद में 5 लाख 7 लाख 10 लाख का खाना दूसरे लोगों को खिलाते हैं, क्योंकि उसको बर्बादी का ही काम आता है। और सभी लोग हजारों हजारों में आएगा, खाना खाएगा और चला जाएगा। वही आप लोगों से एक विनती करता हूँ, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता की सेवा कीजिए, वही है सब कुछ। और उसके बाद में मर जाने के बाद में माता पिता खर्चा कम कीजिए पीछे, और गायों के लिए कुछ न कुछ करना सीखिए, और माता पिता के पीछे कुछ न कुछ ऐसा कार्य कीजिए जो हजारों साल तक आपका और आपके माता पिता का नाम भारत में याद रहे सबको। ऐसा कार्य करना सीखिए।
माता पिता जब स्वर्ग चले जाते हैं तो शौक शोभा बुलवाते हैं, अखबारों में बड़ा बड़ा नाम छिपवाते हैं, फोटो लगाते हैं, माता पिता की छवि को खूब सजाया करते हैं, दीप जलाया जाता है और धूप जलाया जाता है। बेटे ने आंसू तो का सागर बहाया है, पर मगरमच्छ के ये आंसू को तो कौन कभी पचाएगा। ऐसा बेहिसाब का आंसू बहाना छोड़ देना, ये दुनियादारी के सामने नाटक करना छोड़ देना। इस दुनिया को माँ की महिमा सबको आज सुनानी है, माँ और बेटे के रिश्ते की ये तो अमर कहानी है। माँ माँ तो माता ही, माँ ने बेटे को जन्म दिया है, बाप ने बेटे का सब कुछ किया है, तूने उसका क्या बदला दिया है, किसके भरोसे छोड़ दिया है तू। माता पिता को दुख दे के कहाँ से तू सुख पाएगा, जो माँ की ना सुनेगा सेवक की सुन लो तुम। भाई जिसने माँ को ठुकराया, एक दिन तेरा बेटा भी तुझको ही ठुकराएगा, जो करेगा वैसा भरेगा, तेरी ही करनी तू सहेगा। अब भी समय है चेत तू पगले, अभी भी चला जा माता पिता के शरणे, सद्बुद्धि प्रभु वर दे तुझको, जय जय बोलो माता पिता की, जो माँ की ना सुनेगा उसकी कौन कभी भी नहीं सुनेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, माँ और बाप से बड़ा कोई धन नहीं होता, और इसलिए मैं मेरे प्यारे भाई और बहनों को कृपया करके रूपाराम भौरलाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये वीडियो कैसा लगा माता पिता के ऊपर उसके बारे में रिप्लाई दीजिए। जय हिंद, जय भारत।